बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज हमारा चैप्टर नंबर जो 7 है उसका जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पिक्चर ग्राफ। ठीक है, पिक्चर ग्राफ का मतलब है कि हमने पिक्चर्स को देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। आई वॉन्ट टू रेंज पेंस अकॉर्डिंग टू द कलर्स। अब ये देखें, यहाँ पे हमने पिक्चर्स में हमें दी गई है डिफरेंट कलर्स की पेंसिल्स। इसमें अब हमारे पास सबसे पहले जो है वो ये देखें, 1, 2, 3, 4 ये रेड पेंसिल्स हैं। उसके बाद हमारे पास ये 1, 2, 3, 4 ये येलो पेंसिल्स हैं। ठीक है बेटा, ये अब हमारे पास जो है 2, 4, 6, 7 ये हमारे पास ग्रीन पेंसिल्स है। उसके पास हमारे पास है ब्लू, ये देखें ये हमारे पास ब्लू पेंसिल्स हैं। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट कलर्स की पेंसिल्स हैं और ये चारों जो हैं वो एक जगह पे ही जो है वो अरेंज की गई है। हमें नहीं पता किस पेंसिल्स की तादाद कितनी है, किस कौन सी पेंसिल कितनी तादाद में है हमारे पास मौजूद। अब हम इसको पिक्चर ग्राफ के जरिए हम इनको सेपरेट सेपरेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही जब हम इनको अरेंज करेंगे हमें इनकी तादाद का भी पता चल जाएगा और हमें पता चल जाएगा कौन सी पेंसिल किस कलर में है और उस कलर में वो कितनी पेंसिल है, यानी कि उनकी टोटल तादाद कितनी है। ठीक है बेटे, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक 4 बॉक्स ड्रॉ कर लेने हैं। एक में हमने क्या करना है, येलो पेंसिल्स। सेकंड में हमने क्या करना है, ब्लू पेंसिल्स। थर्ड में हमने क्या करना है, ग्रीन पेंसिल्स को सेपरेट करना है। और फोर्थ में हमने क्या करना है, रेड पेंसिल्स को सेपरेट करना है। और ऐसे ही हमने ऊपर उनको राइट कर देना है। वी कैन अरेंज दिस पेंसिल्स बाय यूजिंग पिक्चर ग्राफ। इन जो पेंसिल्स को जब हम अरेंज करेंगे तो हमने किसकी हेल्प लेनी है, पिक्चर ग्राफ की हेल्प लेनी है। अब यहाँ पे हमने येलो पेंसिल्स हैं तो वहां से सारी येलो पेंसिल्स कलेक्ट करके इस येलो वाले पेंसिल बॉक्स में हमने रख देनी है। फिर ब्लू वाली पेंसिल सारी कलेक्ट करके ब्लू वाले पेंसिल बॉक्स में रख देंगे। ग्रीन वाली पेंसिल जो है वो ग्रीन बॉक्स में रख देंगे और रेड वाली पेंसिल रेड बॉक्स में रख देंगे। अब इस पिक्चर ग्राफ के जरिए हमने क्या ऑब्जर्व किया, अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे इन दिस पिक्चर ग्राफ देयर आर 4 येलो पेंसिल्स। अब जब वहां पे पेंसिल्स थी हमें आइडिया नहीं था कितनी येलो पेंसिल्स है, ठीक है ना, सारी पेंसिल्स मिक्स हुई पड़ी थी तो हमें नहीं पता था कि वहां पे येलो पेंसिल्स की तादाद कितनी है। जब हमने उसको पिक्चर ग्राफ में प्रेजेंट किया है तो हमें पता चल गया कि येलो पेंसिल्स जो हैं वो 4 येलो पेंसिल्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। नेक्स्ट है देयर आर 6 ब्लू पेंसिल्स। अब हमारे पास जो 6 ब्लू पेंसिल्स हैं हमने पिक्चर ग्राफ के जरिए हमें ये पता चला है कि हमारे पास जो ब्लू पेंसिल्स थी उनकी तादाद कितनी थी, 6 थी बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास देयर आर 7 ग्रीन पेंसिल्स। ग्रीन पेंसिल्स की तादाद हमारे पास कितनी है, 7। उसके बाद हमने देयर आर 5 रेड पेंसिल्स, ठीक है। अब ये जो कट्ठी थी सारी पेंसिल्स पहले तो हमें नहीं पता था येलो कितनी है, ग्रीन कितनी है, ब्लू कितनी है, रेड कितनी है। जब हमने पिक्चर ग्राफ के जरिए सारी पेंसिल्स के अलग अलग बॉक्सेस बनाए, येलो ब्लू ग्रीन रेड अलग बॉक्सेस बनाए, तब हमें पता चल गया पिक्चर ग्राफ के जरिए कि हमारे पास येलो 4 पेंसिल्स हैं, 6 ब्लू पेंसिल्स हैं, 7 ग्रीन पेंसिल्स हैं और 5 रेड पेंसिल्स हैं, ठीक है बेटा। ऐसे हम अपना एक हमारे पास पिक्चर होगी बस, जिसमें सारी चीजें मिक्स होंगी। जब हम उसका पिक्चर ग्राफ बनाएंगे सब चीजों को सेपरेट सेपरेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस चीज की कितनी तादाद है, ठीक है। हमारा डाटा जो है वो हमें कलेक्ट हो जाएगा और उसकी सही जो है उसकी मेजरमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग पिक्चर ग्राफ फेवरेट स्पॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर शाउन, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर ग्राफ दिया गया है, उसमें डिफरेंट जो है वो गेम्स दी गई हैं। 1 पिक्चर 2 स्टूडेंट्स, यानी कि एक पिक्चर में 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो गेम प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो गेम है वो है हॉकी। सबसे फर्स्ट वाली गेम हमारे पास क्या है, हॉकी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वाली गेम हमारे पास क्या है, फुटबॉल। थर्ड गेम है क्रिकेट। फोर्थ गेम है टेनिस, फिर टेबल टेनिस, ठीक है। ये हमारे पास टोटल 5 गेम्स हैं। हर पिक्चर जो है 1 पिक्चर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स, एक जो पिक्चर है वो 2 स्टूडेंट्स के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक पिक्चर ग्राफ दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग नीचे हमने अपने क्वेश्चन के जो है वो आंसर जो है वो सॉर्ट आउट करने हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले है ऑब्जर्व द अबाउ पिक्चर ग्राफ एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। अपने ग्राफ को जो है पिक्चर ग्राफ को ऑब्जर्व करें, देन उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट करें, इनका आंसर दें। सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग हॉकी।
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉकी प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास हॉकीज कितनी है, इनको सबसे पहले काउंट करते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल हमारे पास कितनी हॉकीज है, 5। अब हर पिक्चर जो है वो किसके इक्वल थी, एक पिक्चर इज इक्वल टू टू स्टूडेंट्स, टू स्टूडेंट्स के इक्वल थी। हमने इसको टू के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, 2 5s are 10। इसको हम ऐसे लिखेंगे, 2, 1 picture is equal to 2 students, ठीक है। ऐसे हम इसको राइट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10। फर्स्ट क्वेश्चन की क्या कंडीशन थी, फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी, कि जो तादाद बताएं जितने स्टूडेंट्स जो हैं वो हॉकी खेल रहे हैं, उनकी तादाद हमने बतानी, तो हमारे पास कितनी तादाद आ गई उनकी, 10। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 10 राइट कर देना, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट। अब हमारा सेम वही प्रोसीजर होगा इसका, इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे हमने देखना है कितने स्टूडेंट्स है वो क्रिकेट प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या काउंट करना है, अपने बैट्स काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे हमने 4 राइट कर दिया, ठीक है। अब 1 picture इज इक्वल टू 2 students, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट प्ले कर रहे हैं, 8। तो यहाँ पे हमने क्या राइट कर देना है, इस बॉक्स में हमने राइट कर देना है 8। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट फेवरेट गेम, विच इज द मोस्ट फेवरेट गेम, मोस्ट फेवरेट गेम कौन सी है, सबसे पसंदीदा गेम कौन सी है। तो हमने वो लिख लेनी है, आप अपनी पसंदीदा गेम लिख लें, कोई भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, जो आपको पसंद है वो आप इसमें मेंशन कर देंगे तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर ठीक होगा। तो यहाँ फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस, जो आपको पसंद है वो आप राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं फुटबॉल, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच इज द लिस्ट फेवरेट गेम। हमारी जो यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर ग्राफ है, उसमें से लास्ट पे जो हमारा है वो कौन सी फेवरेट गेम है। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे क्या है, टेबल टेनिस है। तो यहाँ पे हमने जो अपने बॉक्स में राइट करना है वो हमने राइट करना है टेबल टेनिस, ठीक है बेटे। यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल टेनिस, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग टेनिस, कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो प्ले कर रहे हैं टेनिस वाली गेम। अब यहां पे हम देखेंगे, हम काउंट करेंगे रॉकेट्स, 1, 2, 3 रॉकेट्स हैं, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 multiply 3 is equal to 6। 6 स्टूडेंट जो हैं वो हमारे पास टेबल, 6 स्टूडेंट्स जो हैं वो टेनिस प्ले कर रहे हैं, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे इस पिक्चर ग्राफ के जरिए हमें पता चल गया था कि ये देखें, ये हमारे पास पिक्चर ग्राफ था, इसमें पिक्चर्स दी गई थी, यहाँ पे हमारे पास गेम्स दी गई थी, यहाँ पे हमारे पास गेम्स के नेम थे, यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स थी। इस पिक्चर की एक कंडीशन हमारे पास ये लगा दी गई थी कि 1 picture is equal to 2 students, के एक जो पिक्चर है वो 2 students के इक्वल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 थी, ये 5 पिक्चर्स है ना, 5 हॉकीज हैं, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ। इसी तरह जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्रिकेट में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हमने यहाँ पे देखना था 4 जो है वो बैट्स है, हर पिक्चर 2 के इक्वल है, तो हमने क्या करना है, 2 students के इक्वल इसको लगा के, तो हमने क्या किया, इसका आंसर जो है सॉर्ट आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास टेनिस था, टेनिस का भी हमने इसलिए किया। उसके बाद इसमें 2 questions दिए गए थे कि मोस्ट फेवरेट गेम, मोस्ट फेवरेट गेम। अब यहाँ में से जरूरी नहीं है कि आपको जो बताई गई आप वो राइट कर लें, आपकी जो फेवरेट गेम है वो भी यहाँ पे लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अगर आपको हॉकी पसंद है आप हॉकी लिख लें, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस, जो भी आप राइट करना चाहें वो राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि लिस्ट के एंड पे कौन सी लिस्ट के एंड पे कौन सी गेम है, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया टेबल टेनिस, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है बेटा।
एक्सरसाइज टू में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द फॉलोइंग पिक्चर ग्राफ शो द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ड्यूरिंग अ वीक। अब वन पिक्चर वन स्टूडेंट, एक पिक्चर जो है वो एक स्टूडेंट के इक्वल है। अब यहाँ पे हमारे पास मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है ना, इसमें जितने स्टूडेंट्स एब्सेंट है, फर्स्ट पिक्चर में हमारे पास ये देखें 1 2 3 4 स्टूडेंट है। अब यहाँ पे वन स्टूडेंट ही, एक पिक्चर जो है वो वन स्टूडेंट के इक्वल ही है। अब यहाँ पे थ्री है तो ये थ्री ही होंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे इस पिक्चर ग्राफ को अकॉर्डिंग ही हमने अपने नीचे वाले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन मंडे, कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे मंडे को, कितने तालबे इलम जो गैर हाजिर थे मंडे को। अब यहाँ पे हमारे पास मंडे है फर्स्ट में, तो यहाँ पे हमने देखना है कि कितने स्टूडेंट एब्सेंट थे। देखिए 1 2 3 4 कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे मंडे को, 4। तो हमने यहाँ पे अपने बॉक्स में राइट कर देना है 4, यहाँ पे हम अपना राइट कर देंगे 4, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन ट्यूजडे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन ट्यूजडे। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन ट्यूजडे, ट्यूजडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो हमने अपने पिक्चर ग्राफ के अकॉर्डिंग ही टाइप करना है। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3, ट्यूजडे को हमारे पास जो स्टूडेंट एब्सेंट थे वो थे 3, पिक्चर ग्राफ के अकॉर्डिंग 3 स्टूडेंट जो है वो ट्यूजडे को एब्सेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन ऑन विच डे द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, किस डे को सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। अब हमने अपनी पिक्चर ग्राफ को देखना है और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हमने देखना है कि हमारे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो किस दिन एब्सेंट थे। फर्स्ट पे 4 थे मंडे को, ट्यूजडे को 3 थे, वेनसडे को 1 2 3 4 5, थर्सडे को 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास थर्सडे को आएंगे ये देखें 1 2 3 4 5 6, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट एब्सेंट थे वो थर्सडे को थे, तो यहाँ पे हमने लिख देना है थर्सडे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑन विच डे लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, एंड पे जो लिस्ट के एंड पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद क्या है, वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो एब्सेंट थे। यहाँ पे लिस्ट पे एंड पे क्या है फ्राइडे, और फ्राइडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे 2, तो हमने यहाँ पे इस बॉक्स में नीचे राइट कर देना है कि लिस्ट 2 स्टूडेंट्स जो थे वो एब्सेंट थे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, इसे व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट ऑन वेनसडे एंड थर्सडे, वेनसडे और थर्सडे को टोटल स्टूडेंट जो थे वो कितने एब्सेंट थे वो हमने काउंट करने। अब वेनसडे और थर्सडे के दोनों टोटल स्टूडेंट्स हम करते हैं, ये देखिए हम दोनों को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 स्टूडेंट्स वेनसडे को और 6 स्टूडेंट्स थर्सडे को, तो हमारे टोटल कितने हो गए 11 स्टूडेंट्स हो गए, तो हमने यहाँ पे अपने बॉक्स में लिख देना है 11 स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। अब पिक्चर ग्राफ के जरिए हमने जो है हमें पता चल गया कि कितने स्टूडेंट्स किस डे को जो थे वो एब्सेंट थे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग पिक्चर ग्राफ शो द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक साइड पे 2008 2009 2010 2012 2011 और 12 ये हो गया। अब यहाँ पे हमें नंबर्स ऑफ कार्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 2 है, वन पिक्चर 100 कार्स। अब यहाँ पे एक जो पिक्चर है वो 100 कार्स के इक्वल है, यानी कि वन कार जो हमारे पास है वो 100 कार के इक्वल है, ये हर एक कार जो हमारे पास होगी वो 100 कार के इक्वल होगी। ठीक है बेटे, यहाँ पे मेंशन हो कर दिया मैंने कि हर जो कार है वो आपकी जो है वो 100 के इक्वल है, हर एक पिक्चर 100 कार्स के इक्वल है।
अब यहाँ पे जो पिक्चर ग्राफ हमें दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग हमारे नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस पिक्चर ग्राफ को ऑब्जर्व करके हमने अपने क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो देने हैं। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, हाउ मैनी कार्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन 2008 में हमने देखना है कितनी कार थी। अब ये देखें 1, 2, 3, 4, ये 4 थी। अब 4 कार जो है वो किसके इक्वल है, 100 के। तो हमने क्या करना है, वही फॉर्मूला यूज करना है, 4 मल्टीप्लाई 100। 4 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 400 आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे हमने क्या राइट करना है, यहाँ पे हमने राइट करना है 400। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी कार्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन 2010। अब 2010 में देखना है हमने कितनी कार्स थी और उनका क्या है, उनकी टोटल वैल्यू क्या निकलती है। अब यहाँ पे हमारे पास 2010 का है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास 3 कार्स हैं, तो यहाँ पे हमने 3 राइट करना है और 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 300। ठीक है बेटा, क्योंकि हर पिक्चर में हर कार जो है वो 100 के इक्वल है तो इसलिए हमने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 300। इन द विच ईयर मोस्ट नंबर ऑफ कार्स। अब यहाँ पे हमने देखना है कि इन ईयर्स में से सबसे ज्यादा कार्स किस कॉलम में है। ठीक है ना, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 थी, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 2009 में थी। ठीक है ना, अब 2009 में है तो हम यहाँ पे 2009 राइट कर देंगे। ठीक है बेटा, थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आएगा 2009। यहाँ पे हम राइट कर देंगे 2009। इन विच ईयर लिस्ट ऑफ कार्स। अब लास्ट पे हमने, लिस्ट के लास्ट पे हमने देखना है कि कितनी कार्स है हमारे पास, 2 है तो 2 को हमने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 200। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे हमने फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमने राइट कर देना है 200। लास्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें है, इन विच 2 इयर्स इक्वल नंबर ऑफ कार्स। ठीक है ना, 2 सालों में, किन 2 सालों में इक्वल कार्स हैं। अब यहाँ पे 2011 में है 4 कार्स और 2008 में है 4 कार्स, तो यहाँ पे हमने राइट कर देना है 2008 एंड 2011 लास्ट वाले क्वेश्चन का, 2008 एंड 2011। ठीक है बेटा, आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू।